नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो पढ़ाए थे उसके आगे बात करते हैं। हम लोग जो ड्रैग फोर्स यही सब बातें कर रहे थे, ड्रैग एंड लिफ्ट की परिभाषा बताए थे। देखिए, टोटल ड्रैग, अगर कोई बॉडी आपकी डूबी अवस्था में है, किसी भी लिक्विड में या किसी भी वाटर कॉलम में डूबी हुई है, तो उस पर जो ड्रैग फोर्स कार्य करता है, देखिए फ्लो के अलोंग ड्रैग फोर्स कार्य करता है, तो टोटल ड्रैग फोर्स कितना कार्य करेगा, किस किस के बराबर? तो देखिए, टोटल जो ड्रैग फोर्स होता है, एक होता है आपका प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग। प्रेशर ड्रैग हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करेगा, फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल कार्य करेगा, ठीक है? तो ये दोनों ड्रैग जो है होते हैं। अब देखिए, इसका जो एक्सप्रेशन दिया जाता है ड्रैग का, टोटल ड्रैग का, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ P cos थीटा इनटू डी, ये आपका प्रेशर ड्रैग होता है, और tau नॉट sin थीटा इनटू डी, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फ्रिक्शन ड्रैग। अब हमें बताइए, आप कोई बॉडी अगर फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल रखी हुई है, या आपकी फ्लो डायरेक्शन के पैरेलल कोई बॉडी रखी हुई है, तो हमको बात बताइए, जो आपका प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करेगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और प्रेशर ड्रैग क्या होता है आपका cos 90, मतलब cos थीटा, तो cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई बॉडी आपकी फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल, उसकी एक्सिस पैरेलल में है, तो फ्रिक्शन ड्रैग का, प्रेशर ड्रैग का मान 0 हो जाएगा, और टोटल ड्रैग आपका फ्रिक्शन ड्रैग के बराबर हो जाएगा। देखिए, प्रेशर और फ्रिक्शन ड्रैग डिपेंड किस पर करते हैं, प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग डिपेंड किस पर करते हैं, देखिए बॉडी के शेप पर, ठीक है, बॉडी के शेप पर, बॉडी किस पोजीशन में रखी हुई है उस पोजीशन पर, और बॉडी जो लिक्विड फ्लो रहा है, और लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है? तो वही चीज लिखा हुआ है, बॉडी के पोजीशन पर, कैरेक्टरिस्टिक पर। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिए, अभी हमने जो बताया, अगर बॉडी आपकी पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, जो फ्लो डायरेक्शन उसके पैरेलल है, तो देखिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा फॉर प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। इस केस में आपका टोटल ड्रैग किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन ड्रैग के। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी आपकी पैरेलल रखी हुई है फ्लो डायरेक्शन में, तो टोटल ड्रैग किसके बराबर होता है, तो आप तुरंत लगा देंगे फ्रिक्शन ड्रैग के बराबर। अब बताइए, अगर बॉडी आपकी फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, या आपकी फ्लो डायरेक्शन है, बॉडी आपकी इसके परपेंडिकुलर है, तो हमको बताइए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। इसका मतलब आपका फ्रिक्शन ड्रैग 0 हो जाएगा यहाँ पे, और टोटल ड्रैग किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग के। तो ये दोनों पॉइंट आप रखेंगे, फ्रिक्शन ड्रैग 0 हो जाएगा, टोटल ड्रैग आपका प्रेशर ड्रैग के बराबर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जिसका बाहरी सरफेस स्ट्रीम लाइन से कॉन्साइड करे, ठीक है, ये ऐसा नहीं कॉन्साइड करेगा, मतलब स्ट्रीम लाइन कोई बॉडी है, उसको फ्लूड में किसी पार्टिकल पोजीशन पर, किसी भी लिक्विड कॉलम में, उसमें किसी पार्टिकल जो है पार्टिकुलर पोजीशन पर ले जाएंगे, वहां पे रखेंगे उसको, तो क्या होगा, तब आपकी जो बॉडी होगी, उस बॉडी पर के जो सरफेस होंगे, बाहरी सरफेस, उस पर जो होगा वो स्ट्रीम लाइन उससे कॉन्साइड करके हुए जाए, तो उसी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। और स्ट्रीम लाइन बॉडी कब होगी, किस कंडीशन में होगी, जब आप जो है वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, हाई वेलोसिटी पर स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं बनेगी कभी आपकी, कोई बॉडी हो स्ट्रीम लाइन कभी नहीं होगी जब तक की वेलोसिटी स्लो ना हो, और किसी पार्टिकुलर पोजिशन पे रखा जाएगा तभी स्ट्रीम लाइन उसके बॉडी से कॉन्साइड करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रीम लाइन बॉडी से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं। अब एक होता है ब्लफ बॉडी। ब्लफ बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी, दो इसमें देखिए, पहली बात तो वो स्ट्रीम लाइन ना हो, स्ट्रीम लाइन बॉडी ना हो, सबसे पहला कंडीशन है स्ट्रीम लाइन बॉडी ना हो, मतलब उसके सरफेस से स्ट्रीम लाइन होके कॉन्साइड करके ना जाए, और दूसरा है आपका प्रेशर ड्रैग का मान, मतलब बहुत ज्यादा हो किससे, फ्रिक्शन ड्रैग से, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सके, मतलब फ्रिक्शन ड्रैग को हम नेग्लेक्ट कर सके, और प्रेशर ड्रैग हमारा मेजर फोर्स हो, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लफ बॉडी कहते हैं। ठीक, समझ में आया ब्लफ बॉडी। अब बात करते हैं ड्रैग ऑन स्फीयर, कोई स्फीयर है, देखिए हम ऑब्जेक्टिव में जो आता है वही चीज आपको बताएंगे, और इसको आप रट लेंगे ना अच्छे से, तो ऑब्जेक्टिव का ड्रैग से कभी आपका क्वेश्चन ड्रैग एंड लिफ्ट से नहीं छूटेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, देखिए ड्रैग ऑन स्फीयर, स्फीयर पर ड्रैग की अगर हम बात करें, तो देखिए सबसे पहले देखिए एक पॉइंट आपने नोट कर लीजिए, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 0.02 से कम है, इसका मतलब विस्कस फोर्स हमेशा इनर्शिया फोर्स से क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और टोटल ड्रैग जो होता है स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए कभी आपको टोटल ड्रैग फोर्स पूछे तो लिख दीजिए 3π μ dU, म्यू क्या होगा विस्कोसिटी, डी क्या होगा डायमीटर ऑफ जो है स्फीयर, और यू क्या होगा वेलोसिटी, ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा टोटल ड्रैग हो जाएगा 3π μ dU। ठीक है, अगर वही हम स्किन जो है, अगर हम बात करें स्किन,
और जो फ्रिक्शन रेट की, देखिए दो ड्रेग होते हैं, एक स्प्रिंग या फ्रिक्शन रेट, एक प्रेशर रेट, ठीक है, दोनों की बात की हमने। तो जो फ्रिक्शन ड्रेग होता है वो जो आपका होता है वो टोटल ड्रेग का 2/3 होता है सर्कुलर के लिए, आप इसको याद कर लीजिए। पूछता है कि सर्कुलर जो है आपका, मतलब सॉरी स्फेयर है आपका, कोई स्फेरिकल है, उसमें जो ड्रेग होगा फ्रिक्शन के कारण वो टोटल ड्रेग का कितना होगा, तो 2/3 होगा, और प्रेशर ड्रेग टोटल ड्रेग का 1/3 होगा, मतलब आपका इसमें फ्रिक्शन ड्रेग ज्यादा है आपकी, प्रेशर ड्रेग कम है, ठीक है। तो इसमें रख देंगे तो 2πμdu हो जाएगा और πμdu हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जो है कोफिशिएंट ऑफ ड्रेग, आपसे जो है पूछा बस यही जाता है, ज्यादातर हमने देखा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में अभी तक कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रेग आपसे पूछा गया है स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, अगर रेनॉल्ड नंबर 0.2 से कम है तो 24/RE, अधिकतर आप देखे होंगे रेनॉल्ड नंबर नहीं दिया होता है तो आप यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो हमेशा यही लगाएंगे अगर रेनॉल्ड नंबर का जिक्र नहीं किया है, 24/RE कर देंगे, आरी आपका रेनॉल्ड नंबर है तो काम हो जाएगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 0.2 से 0.5 के बीच में है तो 24/RE इंटू 1+3/16RE, ठीक है, ये लगा देंगे। फिर अगर 5 से 1000 के बीच में है तो क्या लगाएंगे, कुछ लगाना ही नहीं, अगर 5 से 1000 दे दिया रेनॉल्ड नंबर तो सीडी आपका हो जाएगा 0.4, अगर 1000 से 10^5 दे दिया तो क्या हो जाएगा 0.5, अगर 10^5 से भी ज्यादा आपका रेनॉल्ड नंबर चला गया तो सीडी हो जाएगा 0.2, ठीक है, सीडी क्या हो जाएगा 0.2। अब हम बात करते हैं सीडी फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए, अगर कोई सिलेंडर बॉडी है आपकी और वही है लिक्विड कॉलम में तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर के लिए आपका सीडी क्या हो जाएगा, देखिए अगर रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है तो 1/RE, आरी का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, ठीक है। अगर 1 से 2000 के बीच में है रेनॉल्ड नंबर तो 0.95 होगा, और कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर 2000 होगा, ठीक है। ये जितने भी सिलेंडर के लिए वैल्यू दी है वो सारी मैक्सिमम वैल्यू के लिए दिया है, मतलब अगर आपका पॉइंट जो है 2000 रेनॉल्ड नंबर है तो 9.95 हो जाएगा, अगर अगर 3×10^5 है तो 1.2 हो जाएगा, और इसमें देखा जाए 3×10^4 है यहाँ पे तो 1.2 होगा, 3×10^5 है तो 0.3 होगा, और अगर वही 3×10^6 से ज्यादा है तो 0.7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक स्लाइड लेकर आते हैं ओपन चैनल फ्लो का, उससे आपको जो है ओपन चैनल के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स आज जो है एंड होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो की, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आता है उसी चीज की बात करेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें हमने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताई है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे थे उसमें भी बताया तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्राउड नंबर की, ओपन चैनल फ्लो में ज्यादातर फ्राउड नंबर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं फ्राउड नंबर की, फ्राउड नंबर के आधार पर ओपन चैनल फ्लो में जो है 3 प्रकार से फ्लो को डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सब क्रिटिकल फ्लो या ट्रायंगल फ्लो या फिर स्ट्रीम जो है स्ट्रीमिंग फ्लो, ठीक है। क्या है स्ट्रीमिंग फ्लो, मतलब आपका जब आपका जो हाइट होगा वो क्रिटिकल, जो डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग है वो क्रिटिकल डेप्थ से अधिक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और ये कब होगा, जब फ्राउड नंबर का मान 1 से कम होगा, अगर फ्राउड नंबर 1 के बराबर है यानी एच बराबर एस सी हो जाएगा और क्रिटिकल फ्लो होगा आपका, ठीक। अगर फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है तो आपका कैसा हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो या शूटिंग फ्लो इसी को कहते हैं, इसी को रैपिड फ्लो भी कहते हैं, इसी को टोरेंशियल फ्लो भी कहते हैं, यानी एच आपका एच सी से कम होता है, ठीक है। अब चेजी फॉर्मूला की बात करें, देखिए आपको डिस्चार्ज निकालना होता है ओपन चैनल फ्लो में, तो चेजी फॉर्मूला होता है क्यू बराबर ए सी रूट एम आई, ठीक है, जहां पे सी आपका चेजी कोफिशिएंट होता है और सी को निकालने का फॉर्मूला दिया है आपका बेजिन साहब ने 157.6/1.8+√m, ठीक। अब बात करते हैं मैनिंग फॉर्मूला की, तो मैनिंग फॉर्मूला जानते हैं, सी निकालने के लिए मैनिंग ने भी दिया था 1/n m^(1/6, ठीक है। अगर वही बात करें इस मैनिंग फॉर्मूला से, अगर आपको वेलोसिटी याद करनी है तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/(n)r^2/3 s^1/2, ठीक। अगर वही कटर फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला होता है कटर्स का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इरिगेशन में भी काफी पढ़ा होगा कैनाल डिजाइन करते समय, ठीक। अब बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से, ज्यादातर यही पूछा जाता है, देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर हम बात करें किसके लिए, ट्रेपीजॉइडल सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो जो उसका साइड स्लोप होता है वो साइड स्लोप की जो अगर हम बात करें तो जो स्लोपिंग साइड होती है उसकी उसकी लंबाई जो होती है वो टॉप विथ की आधी होनी चाहिए, जो है मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए। थीटा जो साइड स्लोप का जो एंगल होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। जो आपका हाइड्रोलिक मेन रेडियस होना चाहिए वो डेप्थ ऑफ फ्लो का आधा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होता है ट्रेपीजॉइडल सेक्शन के लिए। अगर हम वही बात करें रेक्टेंगुलर सेक्शन का, हमने इसमें लिखा नहीं है, उसमें भी आपका जो रेडियस होना चाहिए हाइड्रोलिक मेन डेप्थ वो होना चाहिए d/2 का, ठीक है। और जो आपका डी होता है जो वो किसके बराबर होना चाहिए, b/2 के,
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के लिए होता है। अब हम बात करें अगर फ्लो थ्रू इसके लिए, सर्कुलर चैनल के लिए, सर्कुलर चैनल के लिए अगर आप देखते हैं, हमने इस चीज को इसलिए ऐड किया कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो है इतना अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो का एरिया बताइए, वेलोसिटी बताइए, तो आप लोग जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं किसके लिए, वेटेड पैरामीटर और जो है एरिया, वेटेड एरिया, यही दोनों कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो आप जो है कि इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल लेंगे, जो है हाइड्रोलिक मीन रेडियस रख के और साइड स्लोप बॉटम स्लोप दिया होता है तो आप वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। कई ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बताया। तो देखिए अगर हम बात करें वेटेड पैरामीटर की, तो पूरा पैरामीटर आपका 2πr है, और 2πr कब है, जब इसमें जो पूरा एंगल आपका 2π था, ठीक है, तो इस समय अगर तो ये हो जाएगा, अगर आपका एंगल इस समय हो गया कि अगर आपका एंगल एक डिग्री या एक रेडियन है तो ये हो जाएगा आपका वेटेड पैरामीटर, लेकिन यहाँ पर 2θ है तो इंटू 2θ से मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो हमारा इस सिचुएशन में वेटेड पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, जितना एंगल हो 2πr अपॉन 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे उस एंगल में, तो आपका वेटेड पैरामीटर निकल आएगा सर्कुलर के लिए। और वेटेड एरिया की बात करें अगर, तो वही आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2θ/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेटेड एरिया। तो अगर आपको जो है हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना है तो a/pw कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, आपका निकल आएगा r, r निकल आएगा, तो इस फॉर्मूले में रख के आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है। अब देखिए मोल्स की गुणांकन सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो दो कंडीशन होती है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए, एक मैक्सिमम डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए होती है उसके लिए जो थीटा का मान होना चाहिए वो 128°45' होना चाहिए, ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो होना चाहिए वो 0.81D होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। लेकिन वही अगर हम मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करें तो जो आपको थीटा होना चाहिए वो 154° होना चाहिए और डेप्थ ऑफ फ्लो 0.95D होना चाहिए, ठीक। ये आपका हो गया मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब स्पेसिफिक एनर्जी पूछता है कभी कभी आपका, जो एच दे देता है और वेलोसिटी दे देता है तो स्पेसिफिक एनर्जी पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी होती ही है मतलब आपका डॉटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है, डॉटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड आपका स्पेसिफिक एनर्जी कहलाती है। तो इसको ऐड करके आप निकाल लेंगे। क्रिटिकल डेप्थ आपसे पूछता है तो जो मिनिमम जो है स्पेसिफिक एनर्जी पर जो डेप्थ होता है वही आपका क्रिटिकल डेप्थ कहलाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ करने के लिए हम इसको जो है एच के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जो डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ निकल के आता है वो आता है q²g/1/3 और q जो होता है वो यूनिट विड्थ के लिए जो है डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यूनिट विड्थ के लिए होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा b=1 होगा, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी जो आपकी होती है वो bc बराबर मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर होगा g√hc, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे पूछा गया है, इन सब की वैल्यू निकालना पूछता है या फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा आप इसको याद कर लेंगे तब भी कर ले जाएंगे। और मिनिमम जो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए दिया हुआ है 3/2 × hc, ठीक। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप, कभी कभी पूछता है हाइड्रोलिक जंप का एक्सप्रेशन पूछ लेता है आपसे, दिया रहता है। तो d², देखिए एक डेप्थ होती है आपका हाइड्रोलिक जंप से पहले, एक होती है हाइड्रोलिक जंप के बाद, तो वही चीज है d2 आपका d²+d1d2=2q²g/d1, ठीक है। अब यहां से कभी कभी आपने पूछा होगा कि हाइड्रोलिक जंप के कारण जो लॉस होता है कितना होता है, तो ये उतना होता है d²-d1³/4d1d2, कहीं कहीं y₂-y₁³/4y₁y₂ लिखा होता है, तो बात एक ही है, ठीक। अब बात करते हैं फ्राउड नंबर कैसे निकालेंगे, तो जो b₁ होगा पहले सेक्शन पे अगर हम फ्राउड नंबर की बात करें तो b₁/√gd₁, ठीक है, और उसी के बेसिस पर हम जो है कभी कभी पूछता है कि डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालिए, तो जो d₂ होता है वही हाइड्रोलिक जंप के बाद डेप्थ होती है, तो इसी d₂ को कैलकुलेट किया जाता है। आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव पे पूछा था 2017 वाले पेपर में, हमने इसको कराया है, d₁/2 कर देंगे और अंडर रूट में 1+8fe₁²-1 अलग रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और पूरे का मल्टीप्लाई होगा d₁/2, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, कल हम जो है आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे किसके, हाइड्रोलिक मशीन के, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के जो बचे हुए हैं उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और उसके बाद में मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा फंसता है उस ऑब्जेक्टिव के बीच में तो उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका पेपर 10 जो है 1 महीना बचा हुआ है, तो जितना ऑब्जेक्टिव आप करेंगे उस आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।